पे डिस्कशन कर रहे होते हैं और आपको उनसे आगाह कर रहे होते हैं कि आपको उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो किस तरह से आप उससे ट्रीट होके सेहत याब हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस सर्विस के रिलेटेड है जो आपको हेल्प आउट करती है डिफरेंट डिजीजेज या डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी में, उनकी तशखीस के लिए। सो हम आज बात करेंगे रेडियोलॉजी सर्विसेज पे और चुगताई लैब में कैसे रेडियोलॉजी सर्विसेज जो हैं हम ऑफर कर रहे हैं। रेडियोलॉजी सर्विसेज चुगताई लैब में जो हैं वो हमने रिसेंटली बहुत सारी नई ऐड भी की हैं और अब आपको लाहौर में एक ही छत के नीचे बहुत सारी डिफरेंट रेडियोलॉजी सर्विसेज जो हैं वो मिल भी जाती हैं। सो हमारे साथ आज डॉक्टर फुरकान अहमद है। वेलकम टू आवर सेशन सर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। ये हमारे कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी हैं चुगताई लैब में। सो हम लोग जो हैं इनसे पूछेंगे कि कौन सी रेडियोलॉजी सर्विसेज चुगताई लैब ऑफर करता है और हर मशीन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कब कब आपको कौन सा स्कैन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। सो सर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि रेडियोलॉजी सर्विसेज होती क्या है। रेडियोलॉजी जो है वो असल में मेडिकल इमेजिंग एक आप कह सकते हैं, ठीक है, कि बॉडी को इमेजेस इसमें देखे जाते हैं। इस तरह लैब्स में है कोई बॉडी की मतलब ब्लड है या सीक्रीशंस हैं या मतलब फ्लूइड्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है। जो रेडियोलॉजी में जो है ना वो पेशेंट इटसेल्फ जो है ना हम उसकी मुख्तलिफ बॉडीज़ के पार्ट्स को इमेज करते हैं, ठीक है। तो अब इमेजिंग में हम आई पास मुख्तलिफ किस्म की मोडालिटीज़ होती हैं। ये जो मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं उनको मोडालिटीज़ कहा जाता है। जिस तरह एक्सरे है वो एक मोडालिटी है, अल्ट्रासाउंड है वो एक मोडालिटी है, इसी तरह मेमोग्राफी है वो एक टाइप ऑफ एक्सरे है वो भी एक मोडालिटी अलहदा कंसिडर की जाती है। इसी तरह डेक्सा है जिसमें बोन की बोन मिनरल डेंसिटीज़ हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। इसी तरह सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ये ज़रा एडवांस मोडालिटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह फिर कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन भी है वो भी एक रेडियोलॉजी में इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग में ही आ जाती है। मेडिकल इमेजिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उसे आप पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी डिजीज़ हैं। तो हम इसको इस तरह से अंदर या पहले ये होता था कि सर्जरी करके देखते थे, खोलते थे कि पता चल रहा है। मेडिकल इमेजिंग में नॉन इन्वेसिव ये टेक्निक्स हैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई किसी किस्म की सर्जरी किए बगैर आपको पता चल जाता है, ठीक है। और सर रेडियोलॉजी सर्विसेज हमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की इमेजिंग में हेल्प कर सकती है। हेड टू टो हर एरिया के फ्रॉम हेड टू टो हर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जिस तरह ब्रेन है, ब्रेन में एमआरआई ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। इसी तरह ज्वाइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर एमआरआई सेंसिटिव है। पहले आर्थ्रोस्कोपी करके अंदर जॉइंट के इंटरनल स्ट्रक्चर देखते थे, अब उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि पहले एमआरआई कर लें ताकि उन्हें पहले पता लग जाए। इस तरह कई सर्जरी से आदमी बच जाता है, ठीक है, पहले हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और सर रेडियोलॉजिस्ट जो है उसका क्या काम होता है इस पूरे प्रोसेस में। रेडियोलॉजिस्ट असल में जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है इसमें हमारी दो किस्म के लोग होते हैं। एक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं हमारे जो हमारे साथ काम करते हैं, ये मशीनों पे काम करते हैं और ये हमारे पेशेंट की इमेजिंग में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। इमेजेस जब एक्वायर हो जाते हैं तो वो फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं, तो रेडियोलॉजिस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, और डायग्नोसिस तक पहुंचाने में। बाज़ दफ़ा हम एक डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर कट बता देते हैं कि ये डायग्नोसिस है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम बताते हैं कि भाई हमारा ये दो दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसके लिए आप फिर वो इस मौके पर आपका क्लिनिशियन जो है उसका रोल आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, सही है। सर गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो रेडियोलॉजी सर्विसेज में कोई हेल्थ हैजर्ड्स भी हो सकते हैं। जी, रेडियोलॉजी सर्विसेज इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें ना हैजर्ड्स हो सकते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जितनी भी इमेजिंग है इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारी है कि जिसमें हम रेडिएशंस, रेडियोलॉजी एक वैसे ही सुनने में आता है नाम के भी रेडिएशंस इस्तेमाल हो रही हैं। दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, एक हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जो पोटेंशियली हार्मफुल हो सकती हैं। असल में तो ये हम डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका पोटेंशियल हो सकता है कि ये पोटेंशियली हार्मफुल हैं। उसमें एक्सरेज हैं और फिर उसके बाद सीटी स्कैन है, मेमोग्राफी है, इन तीनों की टेक्निक एक है। तो क्योंकि इसमें तीनों में ना एक्सरेज इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा बल्कि मोटो है कि इमेज वाइजली एंड सेफली। तो मतलब हमारी हर लिहाज से पेशेंट सेफ्टी जो है वो सबसे हमारी अहम प्रायोरिटी है कि हम डायग्नोस करें, पेशेंट को फ़ायदा पहुँचाएँ
ना कि कोई ऐसा नुकसान, हाँ नुकसान। और कुछ लोग वो भी तो होते हैं जो कंटिन्यूसली एक्सरेज विदाउट एनी पर्पस भी करवा रहे होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर करवा रहे होते हैं या ऐसे ही करवा रहे होते हैं, सो वो भी डिस्करेज होना चाहिए। हाँ वो डिस्करेज होना, कुछ एक्सरेज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन की अमाउंट होती है, उसमें ना खासतौर पर हमारे जो स्पाइन के लोअर स्पाइन के जहाँ बोन्स ज़्यादा होंगी ना तो वहाँ डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। चेस्ट एक्सरे है बहुत कम डोज है क्योंकि एयर है लंग्स में ना, तो जहाँ से इस वो तो हाँ एक्सरेज कोई भी हमारी। अच्छा दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमारी एक हार्मफुल पोटेंशियली हार्मफुल रेडिएशंस हैं, एक बिल्कुल सेफ रेडिएशन जिसमें अल्ट्रासाउंड है, इसी वजह से ये प्रेगनेंसी में बच्चों में आप बिला झिझक बिला तरद्दुद करवा सकते हैं। वह कि इसको भी डिस्करेज किया जाता है कि भाई हर महीने अल्ट्रासाउंड हो प्रेगनेंसी में, लेकिन मतलब वो बिल्कुल सेफ है। इसी तरह MRI है, MRI में भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, ये भी सेफ है। सिर्फ चंद चीज़ें होती हैं कि क्योंकि मैग्नेट होता है बहुत पावरफुल किस्म का, तो इसमें बस ये ओवरऑल ही मेडिसिन में प्रैक्टिस है कि प्रेगनेंसी में या छोटे बच्चों के साथ ना हम बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन या सेफ जितना भी सेफ रह सकें वो तो जिस तरह मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती कम से कम दी जाती हैं, इसी तरह इमेजिंग भी ना प्रेगनेंसी में और बच्चों के साथ कम से कम कम से कम होती है। ठीक है, और सर कोई भी इमेजिंग करवाने से पहले प्रिकॉशंस जो पेशेंट को खुद लेनी चाहिए या कोई ऐसी चीज़ें जैसे कुछ पहनना ना हो या इस तरह की कोई भी चीज़ जो रिक्वायर्ड हो वो क्या होती हैं? प्रिकॉशंस का यही है कि जो ऐसी इमेजिंग जिसमें हमारे पास एक्सरेज इन्वॉल्व हो ना वो तो बगैर ज़रूरत के या बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बिल्कुल ना करना, बिल्कुल ठीक है। जिसमें एक्सरेज हैं, जिस तरह एक्सरे है, मेमोग्राफी है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना हो, और मतलब अनलेस के कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो बाज लोग साल में कई कई दफ़ा करवा रहे होते हैं वो ना करवाएं, और CT स्कैन है प्रिस्क्रिप्शन के साथ करवाना चाहिए। और जो है इसमें हर अब हर मोडेलिटी की अलहदा जो जो हमारी हो जिस तरह MRI है, MRI में हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट होता है, तो हम बाकी पेशेंट को उस MRI सूट में एंटर होने से पहले ही अच्छी तरह स्क्रीन कर लेते हैं सवाल के भाई आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैग्नेट से जिससे अट्रैक्ट करे, या कोई पहले बॉडी में बाज़ दफ़ा ऐसे इम्प्लांट लगे होते हैं, प्रोस्थेसिस लगे होते हैं जो मेटालिक होते हैं, पेस मेकर जो है। अब वैसे बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट के साथ ऐसी बना रहे हैं कि जो MRI कंपैटिबल होती है, ठीक है, सो उसमें मसला नहीं होता। पहले पेस मेकर हम बिल्कुल नहीं करते थे, अब कार्डियक पेस मेकर ऐसे बन चुके हैं जिस जो MRI के साथ काम कर सकते हैं। इसी तरह बॉडी में ऐसे इम्प्लांट्स या रॉड्स ऐसी लगाई जाती हैं सर्जरी में ऑर्थोपेडिक जो MRI के साथ, मतलब जिनका बाद में MRI यूज हो, ठीक है, सही है। कमिंग टुवर्ड्स चुगताई लैब और हमारी जो सर्विसेज हैं, क्या क्या रेडियोलॉजी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं लाहौर में? चुगताई लैब में जो हेड ऑफिस है हमारा, इसमें हम तकरीबन सारी ही सर्विसेज रेडियोलॉजी की ऑफर कर रहे हैं, सिंपल से लेकर एडवांस तक सारी कर रहे हैं, और कुछ अभी मतलब हमारे जहन में है कि कोई हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये एक मतलब ना पूरा एक ही सेटअप यहाँ बन जाएगा जहाँ सारी और सिंपल से एक्सरे से लेके MRI तक। जो MRI ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि अभी जो हमारा 1.5 टेस्ला MRI है ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का स्कैनर है, प्राइवेट सेटअप में ऐसा स्कैनर मतलब आपको शायद ही कहीं मिले। बिल्कुल, सो सर नाम भी बता दें क्या क्या सर्विसेज हैं हमारे पास अभी। जी हमारी सर्विसेज जो हैं, जिस तरह मैं MRI से ही स्टार्ट लेता हूँ पहले क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है हमारी रेडियोलॉजी में। ये हमारी मशीन जो है सिमेंस की मशीन है और इसकी मैग्नेट होता है आमतौर पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ला में कैलकुलेट की जाती है, तो ये 1.5 टेस्ला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट स्कैनर है। स्ट्रॉन्ग में किसी डराने के लिहाज से नहीं कह रहा, पेशेंट की सेफ्टी मतलब के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जितना मैग्नेट स्ट्रॉन्ग होता है ना उतनी इमेजिंग अच्छी आती है, अच्छी जितनी उतनी क्लियर कट इमेजेस आएंगे, साफ पिक्चर्स आएंगी। जो स्कैनर होते हैं जिनके मैग्नेट जिस तरह आजकल मार्केट में या प्राइवेट सेटअप में ज़्यादातर ना 0.25 के स्कैनर होते हैं, 0.25 मैक्सिमम 0.35 टेस्ला के, जबकि हमारे पास ये 1.5 टेस्ला MRI है।
जो मतलब जिसके इमेजेस आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बॉडी की मतलब एक एक नर्व्स और इस तरह ब्लड वेसल्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ये हमारा 1.5 टेस्ला का MRI। इसके बाद दूसरा हमारा CT स्कैन है, ये 160 स्लाइस CT स्कैनर है। राइट इस पे बॉडी की तकरीबन सारे बॉडी के पार्ट्स इमेज किए जा सकते हैं। ठीक है और इसकी सबसे ज़्यादा जो मुझे बात पसंद है कि इसमें रेडिएशन डोज जो है ना वो आम स्कैनर्स की नस्बत तकरीबन हाफ या 1/3 कम है। ठीक है सही हम बहुत सारी मशीनों पे पहले भी काम कर चुके हैं, जी डायग्नोसिस उतना ही होता है लेकिन पेशेंट को जो रेडिएशन होती है ना वो वो इसमें ज्यादा तो दूसरी मशीन्स में बहुत ज़्यादा है देखो। और इसमें उसका हाफ या बाद दफ़ा 1/3 पे भी हम स्कैन राइट करें। दूसरा यह है कि इसकी स्कैनर की ना स्पीड इतनी फास्ट है कि हम इसमें थोड़ा सा जो इंजेक्शन एक लगता है CT स्कैन में जी जिसे हम कंट्रास्ट इंजेक्शन कहते बिल्कुल हैं जिसमें आयोडीन शामिल होती है, बाज़ लोगों को उससे एलर्जी होती है, बिल्कुल तो इसमें हम इतना फास्ट स्कैनर है और इतना स्विफ्ट है और इतना मतलब उसके इमेजेस इतने क्लियर हैं कि हम बहुत थोड़े से अमाउंट से ना कर कंट्रास्ट सकते हैं। स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब ठीक इसकी है इस यानी कि कंट्रास्ट की डोज भी कम इस्तेमाल बिल्कुल होती है और रेडिएशन भी बहुत अच्छी कम। हो जाती है ठीक है। और हम दोनों कह रहे हैं विद कंट्रास्ट और विदाउट हाँ हम कंट्रास्ट विद कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट। CT स्कैन में विद कंट्रास्ट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि बिल्कुल हमें स्टडी एक तो रेडिएशन तो पेशेंट को मिल ही रही होती है बिल्कुल तो ज़्यादा एडवांटेज हो जाए हासिल हो जाए बिल्कुल ज़्यादा मतलब क्लियर इमेजेस आ जाए वो इस वजह से। ठीक है और सर जो डेक्सा और मेमो की फैसिलिटी है उसके बारे में भी बता दें। जी डेक्सा में भी रेडिएशंस होती हैं लेकिन ये बहुत लो डोज एक्सरेज होते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि बोन में जितना कितना कैल्शियम है, बोन कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसमें कितनी मतलब वीक कितनी वीक है कि आइंदा कुछ सालों में फ्रैक्चर्स होने के कितने इम्कानात हैं, खासतौर पे ये फीमेल्स में एज के साथ बोन में से कैल्शियम कम होता है, एक डिज़ीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन आहिस्ता आहिस्ता भुरभुरी होती जाती है उसमें से कैल्शियम निकलता जाता है, तो जितनी कैल्शियम कम होगा बोन की डेंसिटी कम होगी उतने फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डेक्सा हमारा उस सूरत इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये पेशेंट्स में ना आमतौर पर किया जाता है। फिर इसके अगर आप सही स्टेज पर डायग्नोस कर लें कि बोन मिनरल डेंसिटी इतनी है तो फिर आप कैल्शियम के या दूसरे ऐसे सप्लीमेंट्स या मेडिसिन दे सकते हैं जिससे ये बाद में एकदम से फ्रैक्चर हो जाए, फर्ज करें इसका बोन का थाई की बोन का फ्रैक्चर हो जाए तो पेशेंट बिल्कुल ही बेड रिडन हो जाता है। तो इन इस तरह की खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से आप बर वक्त डेक्सा करवा के बच सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और सिमिलरली मेमो जो है वो जी मेमोग्राफी भी हमारे पास है, बहुत अच्छी मशीन है मेमोग्राफी की। मेमोग्राफी का पर्पस ये होता है, मेमोग्राफी में भी एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही लो डोज में होते हैं। मेमोग्राफी का पर्पस ये है कि हम एक इस जो ट्यूमर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है जिसको किसी तरह से भी फील भी नहीं किया जा सकता, यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम का ट्यूमर है, उसे कोई एग्जामिन करके पल्पेट करके या देख भी नहीं सकता, वो बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पे आप उसको पकड़ सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि जहाँ से 100% क्योर होगी। बिल्कुल। तो मेमोग्राफी के लिए आमतौर पर रिकमेंड किया जाता है कि जिन फैमिलीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, क्लोज रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो अपना फ्रीक्वेंट चेकअप ना 30 से 35 के बाद स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे पेशेंट्स में आमतौर पे मेमोग्राफी या साथ में अल्ट्रासाउंड ज़रूर होता है। ठीक है ठीक है। और बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ब्रेस्ट मतलब में फैट की कंपोनेंट बढ़ता जाता है और ग्लैंड्स कम होते जाते हैं तो उसमें मेमोग्राफी की डायग्नोस्टिक यील्ड जो है ना वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। यंगर एज में यील्ड कम होती है लेकिन उसको हम अल्ट्रासाउंड से कवर कर लेते हैं, अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास ब्रेस्ट MRI की भी फैसिलिटी है, हम वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हम बाकी सर्विसेज की भी बात कर लेते हैं जो अल्ट्रासाउंड ECG वगैरह हमारे पास जी है। अल्ट्रासाउंड का भी हमारा अल्ट्रासाउंड में हमारे बहुत अच्छी एक तो मशीन्स बहुत अच्छी हैं हमारे पास अल्ट्रासाउंड की, दूसरे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छी मशीन्स हैं जिसकी वजह से हम मतलब ना हमारी अल्ट्रासाउंड डेली मतलब 60+ यहाँ हेड ऑफिस में पेशेंट्स होते हैं हमारे पास अल्ट्रासाउंड के और ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसी तरह इकोकार्डियोग्राफी के साथ के भी हमारे 3 या 4 साल से एक डॉक्टर साहब हैं जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वो यहाँ रेगुलरली एको कर रहे हैं और उनके पेशेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता मतलब ना उसमें बढ़ रहे हैं। और भी हमने एको की और भी सर्विसेज हमारे पास जो मतलब हमारे सेटेलाइट सेंटर्स हैं वहाँ भी अल्ट्रासाउंड
एक्सरे और एको की सर्विसेज वहाँ भी हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ETT जो हमारे पास जी ETT भी, हाँ जी ETT आमतौर पे ये एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहलाता है। इसमें ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका रिस्क होता है कि भाई इनको हार्ट का, या पेशेंट खुद फील करता है कि मुझे चेस्ट पेन है, एक्सर्शन है, चेस्ट पेन है, तो फिर फिजिशियन रिकमेंड करेगा कि आप एक मशीन पे, ट्रेडमिल टाइप की होती है, तो उस पर आप एक्सरसाइज करें, और जब एक्सरसाइज होती है, एक्सर्शन होती है, तो फिर उसमें देखा जाता है कि ECG में साथ साथ ECG की जा रही होती है, कि कोई ऐसी चेंजेस तो नहीं आ रही जिस जो एंजाइना को इंडिकेट करती हैं या ये करती हैं। तो ये भी एक इस्कीमिक हार्ट डिजीज में के डायग्नोसिस में ETT भी हमारे पास अवेलेबल है, और उनके डॉक्टर हैं बाकायदा, उनकी अंडर सुपरविजन ये टेस्ट होता है। सो हम लोगों के पास जो खताई लैब में इस वक्त सारी ऑलमोस्ट जो रेडियोलॉजी सर्विसेज है वो अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं चौखताई लैब हेड ऑफिस पे जेल रोड पे, जहाँ पे आके आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। और जो सर्विसेज हमने बात की अभी, हम थोड़ी डिटेल में भी उन पे बात कर लेते हैं, बट ये सारी सर्विसेज आप आके अवेल भी कर सकते हैं, और हमारे UAN पे कॉल करके उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जो है 03-111-456-789। तो सर हम आते हैं सिटी स्कैन की तरफ। सिटी स्कैन जैसे आपने बताया कि हम लोगों की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पे है, और बहुत लो डोज में हम लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। सो सिटी स्कैन एक तो किन किन लोगों को जो है करवाना होता है, और क्या कहते हैं उसमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है कि नहीं है? जी सीटी स्कैन में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि सीटी स्कैन जो है ना डॉक्टर को दिखाए बगैर ना करवाएं, पहले डॉक्टर से अपने मशवरा करें अगर वो सजेस्ट करता है, क्योंकि सीटी स्कैन में एक्सरेज मैंने जैसे पहले भी बताया, और आम तौर पे हम इसी बात को एनकरेज भी यही करते हैं और कहते भी यही हैं कि कोई टेस्ट ना बगैर डॉक्टर से, अपने जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है उससे मशवरा किए बगैर ना करवाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आप कोई अपने किसी नुकसान अपने आप को ना, मतलब गया कि हम लोग भी इस बात का बड़े एहतियात करते हैं, लेकिन जितने भी पेशेंट्स हैं उनको इस बारे में भी ना कि अनड्यू जो चीज़ें जो है ना वो ना करवाई जाए। बिल्कुल। और सीटी स्कैन का सर प्रोसेस क्या होता है? सीटी स्कैन का प्रोसेस ये है कि सीटी स्कैन की एक आप एक मशीन होती है जिसमें एक टेबल है, उस टेबल पे पेशेंट को हम लिटा देते हैं, जो भी पार्ट हमने इमेज करना होता है वो एक राउंड सी गोल सा सर्कल होता है जिसमें एक्सरे ट्यूब होती है और उसके डिटेक्टर्स होते हैं। ये खुली मशीन होती है, ये कोई बंद टनल टाइप की मशीन नहीं होती, ठीक है, और बिल्कुल ओपन रूम होता है। इसमें ऐसे पेशेंट जो क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह या जो बिल्कुल अकेले में घबराते हों, इस सीटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं। सीटी स्कैन इस लिहाज से ये है कि बहुत ही फायदेमंद है कि सीटी स्कैन इज जस्ट ए प्रोसेस ऑफ फ्यू सेकंड्स, ईजी, बिल्कुल ईजी है। हेड इमेज आपने करना हो जस्ट फ्यू सेकंड्स लगेंगे, इसी तरह अच्छे जो हैं जो मतलब आप उनको पकड़ के भी करवा सकते हैं कि सही, हाँ, मतलब आप साथ एक आदमी अटेंडेंट खत्म हो जाए, साथ खड़ा हो जाए, हम उसे उसी तरह अच्छी तरह से लेड एप्रन से कवर कर देते हैं, और वो साथ बच्चे का हाथ पकड़ के, और साथ बच्चा जिस तरह छोटा बच्चे हो बाद दफा घबराते हैं तो उनके साथ खड़े हो जाए, तो वो इस तरह से। सीटी स्कैन हेड के भी होते हैं, जिस तरह ब्रेन हेमरेज वगैरह हो, हेड में ये इमरजेंसीज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रॉमा की चोट वगैरह लग जाए उसमें ये। इसी तरह हमारे पास चेस्ट में जो होता है वो सीटी स्कैन ज्यादा कारामद होता है एमआरआई की नस्बत। इसी तरह एब्डोमेन में है वो भी सीटी, एब्डोमेन में तकरीबन दोनों चीज़ें सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों इक्वल इनकी यूज़ है, लेकिन सीटी स्कैन ज़्यादा पॉपुलर है अमंग क्लिनिशियंस, लेकिन हम लोग जो है एमआरआई मतलब उसी तरह का तकरीबन इक्वल इस्तेमाल कर। और एमआरआई का भी प्रोसेस बता दीजिएगा क्या होता जी? एमआरआई इस लिहाज से सीटी स्कैन से ज़्यादा उसका एडवांटेज है कि एमआरआई में जो रेडिएशंस हैं वो बिल्कुल ही, उनका कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं है, बल्कि सीटी स्कैन में एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं। गोया कि मैंने आपको बताया कि हमारा स्कैनर इस तरह का है कि इसकी रेडिएशन डोज बहुत ही कम है, और ख़ास तौर पे हम एहतियात भी करते हैं फीमेल्स में जो चाइल्ड बेयरिंग एज की हों, जैसे 15 से लेकर 45 तक, हम उनको सब कम से कम रेडिएशन, और बच्चों में हम खास तौर पे दो पॉपुलेशन में हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि इनको एक्स्ट्रा रेडिएशन ना दी जाए। बिल्कुल। MRI का प्रोसीजर है कि MRI में थोड़ा सा लंबा टेस्ट होता है, CT स्कैन हमारा जस्ट मिनट्स में होगा, एक मिनट के अंदर अंदर सारा स्कैन हो जाएगा, जो भी आपने करवाना हो ना, मैक्सिमम मिनट लगता है। बाज़ दफ़ा होता है कि पेशेंट्स के हम डिलेड इमेजेस लेते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो उसमें आप पेशेंट को बजाय हम उठाने के टेबल पे लेटा रहने देते हैं, एक इमेज लिया फिर उसके बाद 10 मिनट का कोई ऐसा टेस्ट होता है। MRI के टेस्ट हमारे एवरेज जो है टेस्ट हमारा
ब्रेन का एमआरआई हम 8 से 10, शॉर्टेस्ट अगर करना चाहें तो 8 मिनट में कर सकते हैं, राइट। वो लेकिन वो स्कैन जो है वो एक खास पर्पस के लिए होगा, जिस तरह स्ट्रोक होता है, फालिज होता है, तो वो चंद पेशेंट रेस्टलेस होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लें। जो पेशेंट कम्फर्टेबल कोऑपरेटिव होते हैं उनके टेस्ट आमतौर पर एमआरआई का एवरेज टेस्ट 10 से 15 मिनट तक होता है, ठीक है। ये बहुत कम होता है कि इससे ज़्यादा हम मतलब ना 15 से। एमआरआई की मशीन जो है वो एक, चूंकि ये मैंने आपको बताया कि 1.5 टेस्ला एमआरआई है, ये एक स्ट्रॉन्ग एमआरआई पावरफुल स्कैनर है, तो इसका मैग्नेट जो है ना वो तकरीबन बॉडी को कवर करता है हर तरीके से। ओपन मैग्नेट होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, वो जस्ट बॉडी को एक साइड से कवर करेंगे ऐसे, तो इस तरह से एक मशीन टनल टाइप की बन जाती है। लेकिन हमारी मशीन का बोर जो है वो निस्बतन बेहतर है और एक वाइड बोर मशीन कंसिडर की जाती है, तो उसमें पेशेंट इस तरह एक टेबल पर लेटता है, वो टेबल स्लाइड करके जिस पार्ट को हमने इमेज करना होता है वो मैग्नेट के अंदर जाता है, और फिर उसमें इमेजेस, उसमें तकरीबन 10 to 15 मिनट्स पेशेंट को स्टेबल लेटना पड़ता है, और खाली पेशेंट ही जा सकता है उसमें। हाँ, उसमें पेशेंट जाएगा, उसमें साथ आप कोई नहीं, क्योंकि वो एक टनल टाइप की मशीन है। बस ये हो सकता है कि साथ आप किसी को बिठा सकते हैं दूर फासले पे, टेबल पे, जिस तरह कुर्सी पे बिठा दिया कि वो साथ अपने पेशेंट की तसल्ली के लिए, वरना हमारा स्टाफ वहाँ मौजूद होता है। बाद दफा पेशेंट्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स साथ एक अंदर बैठ जाते हैं कि भाई आप जरा उसको साथ साथ उससे बात करते रहे कि भाई आप बिल्कुल, बच्चे हिलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एमआरआई की कुछ चीज़ें होती हैं कि एमआरआई ब्रेन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कैनर है कंपेयर टू डिटेल्स ज़्यादा। इसी तरह एमआरआई जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा बेहतर है, एमआरआई स्पाइन में बहुत अच्छे हैं, छोटी छोटी एबनॉर्मेलिटीज एमआरआई पे क्लियर कट नज़र आ जाती है। इसी तरह हम वैसे मतलब एमआरआई ब्रेस्ट हमारे पास है, जो मतलब बहुत कम जगहों पे होता है ब्रेस्ट का एमआरआई, उसके लिए क्योंकि एक बाकायदा एमआरआई में जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें क्वाइल्स होती हैं, हेड होगा तो हेड की क्वाइल पेशेंट को, तो इसी तरह एक ब्रेस्ट की क्वाइल होती है, ये खास डेडिकेटेड क्वाइल्स होती हैं, इसलिए बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो खास तौर पर ऐसी बड़ी क्वाइल्स को लेते हैं, तो हमारे पास ये ब्रेस्ट की क्वाइल भी अवेलेबल है जिसमें हम ब्रेस्ट का एमआरआई कर सकते हैं। सो हम कंप्लीट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो है वो काम कर रहे हैं राइट नाउ। सर, जैसे आपने कहा सिटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट यूज होता है, सो इसमें भी कोई कॉन्ट्रास्ट यूज होता है? MRI, हाँ जी, जी सीटी स्कैन के कॉन्ट्रास्ट में आयोडीन होती है, और उसकी अमाउंट तकरीबन 40 ml से लेके 100 ml तक हम इस्तेमाल करते हैं। MRI के कॉन्ट्रास्ट में गैडोलीनियम होती है और कुछ और नई चीज़ें आ गई। गैडोलीनियम थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है, उसकी जगह नए कंपाउंड्स आ गए, लेकिन MRI का कॉन्ट्रास्ट जो होता है ये तकरीबन 5 ml, 6 ml, 7 ml इतना दिया, हाँ ज़्यादा नहीं होता। ये आमतौर पर ना किसी जगह हमें ये शक हो कि यहाँ इन्फेक्शन है या यहाँ ट्यूमर है या कोई, बस इन दो जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं, या तो इन्फेक्शन में या ट्यूमर में, बिल्कुल। जहाँ शक होता है ना, हमें बार दफ़ा हम कहते हैं कि भाई पेशेंट का कि आपको हम पहले प्लेन MRI यानी बगैर कंट्रास्ट के करके देखेंगे, तो हमारे जो लोग डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं ड्यूटी पे वो देख लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो बजाय इसके कि हम रिकॉल करें या ये करें, तो हम पेशेंट को उसी वक्त स्कैन करके और ताकि डायग्नोसिस उसका क्लियर सही हो जाए। और सिटी स्कैन और MRI दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स की सुपरविजन में ही होता है? जी जी, डॉक्टर्स हमारे बिल्कुल मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए भी ऐसे हैं जिन 20 ईयर्स का जिनका एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करने के लिए मोडालिटीज़ एडवांस मोडालिटीज़ हैं या अंडर मतलब एक्सपर्ट लोगों के ही अंडर होनी चाहिए, तो हमारा ऐसा अरेंजमेंट है कि बिल्कुल। और फिर आप खुद भी सुपरवाइज कर रहे हो? जी 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 जी, मैं सुबह के वक्त यहाँ होता हूँ सारा, और देखता हूँ फिर बाकी भी शाम में भी ना रबते में रहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सर डेक्सा स्कैन की तरफ आते हैं, डेक्सा स्कैन की कौन सी मशीन है हमारे पास और किस तरह से वो वर्क करती है, क्या प्रोसेस होता है? डेक्सा की जो मशीन है ये भी एक यूनिक मशीन है हमारे पास, बिल्कुल। ऐसी मशीन्स बहुत ही कम होंगी, मतलब इस तरह से ना, वो ये असल में एक बड़ी मशीन है जो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बिल्कुल। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जो यूजुअली डेक्सा मशीन्स जो यूजुअल मार्केट में है उनमें नहीं है, ठीक है। इसमें हम मतलब एक तो पूरी बॉडी में जहाँ भी होगा ना उसको हम स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसमें हम ये जो रूटीन में होता है कि भाई आप बोन मिनरल डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, इस डेक्सा की स्पेसिफिक ये है कि इसमें हम पूरी बॉडी की कंपोजिशन एक मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ बॉडी में फैट मौजूद है, ठीक है, और कहाँ जो है ना आपका लीन बॉडी मैस है। इसी तरह ये उन लोगों में भी मतलब फ़ायदेमंद है जो इसके बारे में ज़्यादा, सब लोगों को कॉन्शियस
कॉन्शियस होना चाहिए वैसे तो, लेकिन जो ज़्यादा कॉन्शियस हैं वो इसमें बॉडी की फैट की कंपोजिशन और बॉडी की मतलब मुख्तलिफ टिश्यूज़ की कंपोजिशन पता चल सकती है। फिर जो लोग इसमें ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका फॉलोअप भी कर सकते हैं कि भाई किस तरह से मेरी मतलब ये जो चीज़ें जो हैं ये कम हो रही हैं या बेहतर हो रहा है कुछ के नहीं, बिल्कुल हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। सो सर ये आपने जैसे कहा कि ये जो फिटनेस के लोग होते हैं मतलब जो फिटनेस पे फोकस कर रहे होते हैं या फिर जो जिम गोअर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि वो उनको कंप्लीट बॉडी का कंपोजिशन बताती है कि कहां से आपकी कितनी फैट कम हुई है, कहां बढ़ गई है। सो दो कैटेगरीज के लोगों को ये टारगेट कर रही होती है, एक जिनकी बोन्स में कोई मसला हो तो वो बोन डेंसिटी वगैरह बताती है एंड सेकेंड बॉडी कंपोजिशन बताती है। ठीक है। सो सर ये प्रोसेस क्या होता है डेक्सा स्कैन करवाने का? हाँ डेक्सा का मतलब डेक्सा इससे बिल्कुल इसी तरह की एक मतलब एक्सरे की मशीन है और टेबल है, टेबल पे पेशेंट ने लेटना है। ये टनल टनल टाइप की मशीन है, ये खुली मशीन है बिल्कुल, जिसमें एक साइड से बिल्कुल खुली ओपन है, सही है। तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये फ्यू मिनट्स का प्रोसीजर होता है और उसमें मशीन जो है वो पूरा इमेज बॉडी का इमेज लेती है और सारी चीज़ें कम्पोजिशन वगैरह टिश्यू की वो सारी कैलकुलेशन हो जाती हैं उसमें भी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो साथ ही पेशेंट्स के होते हैं सर, उनको पेशेंट्स को प्रोसीजर शुरू होने से पहले भी बताते हैं सारा साथ में साथ साथ गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो ये डेक्सा का पूरा प्रोसीजर होता है। डेक्सा के अलावा हमारे पास मेमो है जैसे आपने कहा, तो वो किस एज ग्रुप की जो खवातीन है क्योंकि उनको रेगुलरली करवाना भी चाहिए, किस एज की खवातीन को करवाना चाहिए और ये कितनी एक्यूरेट और कितने एक्यूरेसी से बता सकती है अगर कोई भी लंप प्रेजेंट है? जी मेमोग्राफी यूजुअली जो है हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है कि भाई हम बाकायदा स्क्रीनिंग इसकी करवाएं, मतलब ना ये नहीं है हमारे यहाँ। जबकि मेमोग्राफी का मैंने आपको बताया कि मेजर पर्पस या फ़ायदा ही यही है कि ये मेमोग्राफी ये कैंसर को उस स्टेज पे डिटेक्ट करती है जब किसी तरह से कैंसर का पता नहीं चलता ना, मतलब आपको फील भी नहीं कर सकते इतने छोटे से कैंसर को ये डिटेक्ट कर लेती है। तो कैंसर इसकी रिकमेंडेशंस यूजुअली जो हैं मुख्तलिफ इदारों की रिकमेंडेशंस हैं, हम आम तौर पे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की या अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं यूजुअली और हम उसी के अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी ने ना एक मेमोग्राफी की रिपोर्टिंग का एक सिस्टम बनाया हुआ है जो अब पूरी दुनिया में वही चलता है, ठीक है। उसको ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हम बाकी चीज़ों में भी उनका चूंकि काम काफ़ी अर्से से हो रहा है तो हम उनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वो उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि ये 40 से 45 ईयर्स के बाद और ये आप हर साल करवाएं हर साल करवाएं, बिल्कुल। यूके में या कुछ जगहों पे ये एवरी टू ईयर्स भी है, ठीक है। लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी का यही वो है कि भाई ये आप हर साल 45 ईयर्स के बाद। और ब्रेस्ट कैंसर की कोई प्रेवलेंस भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मतलब यंग लोगों में बहुत ज्यादा है और यंग में जितना कैंसर आता है वो उतना एग्रेसिव होता है। ओल्ड एज में कैंसर बाज दफा ड्यूरेशन डिटेक्ट हुआ 4-5 महीने आपको, यंग में उतना भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल वो फास्टर होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली जो है अपने मेमोग्राम स्कैन्स करवाते रहें। हम लोग अक्टूबर में जब अपनी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं तो हम इंकरेज करते हैं कि वेमेन जो 40-45 ईयर्स से अबाव है उन्हें रेगुलरली अपना मेमोग्राम करवाना चाहिए। और जो ख़ताल आप पे फैसिलिटी भी अवेलेबल है जहाँ पर हम लोग जो है मेमोग्राम कर रहे होते हैं विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन लाहौर और कम्प्लीट प्रोटोकॉल्स के साथ, सो वो बहुत छोटा अलार्म जो शायद फील भी नहीं हो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। सो सर कमिंग टूवर्ड्स अदर फैसिलिटीज़, हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड है और जो इकोकार्डियोग्राफी है ECG है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं? जी अल्ट्रासाउंड में हम हर तरह का, एक तो रूटीन अल्ट्रासाउंड्स हैं वो करते हैं जैसे एब्डोमेन में है एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड हो गया, पेल्विक का, बिल्कुल। फिर हमारे पास ये भी कोशिश हमने बिल्कुल इस तरह से की है कि हमारे हर शिफ्ट्स हैं हमारी अल्ट्रासाउंड की मॉर्निंग इवनिंग और नाइट में, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी हर शिफ्ट में ना एक बहुत ही एक्सपर्ट ना लेडी डॉक्टर जो है वो मौजूद हो। कुछ फीमेल्स होती हैं बल्कि फीमेल्स की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि वो फीमेल डॉक्टर को ही प्रेफर करती हैं, तो इस लिहाज से हमारी ना हर शिफ्ट में हमने अपने अरेंज की है कि हमारे पास ये हर टाइम में ना एक एक्सपर्ट जो है ना हमारी लेडी डॉक्टर मौजूद होती है और हमारे साथ आमतौर पर एक मेल डॉक्टर होता है और एक फीमेल डॉक्टर होती है। और इसमें भी हमारा ये है कि हर शिफ्ट में हमने इस तरह से भी किया है कि एक डॉक्टर जो है बहुत ही सीनियर मतलब ना इस तरह से हर शिफ्ट में हमारे पास मौजूद हैं ताकि कोई आपस में वो हो तो दो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं
तीन भी होते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम होती है बाद एक पेशेंट में तो ये दोनों तीनों मिलके उसको देख लेते हैं। ये भी एक बहुत मतलब ना अच्छी चीज होती है कि एक ही वक्त में आपके पास ऐसे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता ड्यूरिंग द प्रोसेस और एक सही इमेजिंग जो है वो हो जाती है। बाद दफा एक डॉक्टर होता है दूसरे डॉक्टर की राय ले लेता है, अपने से सीनियर की ले लेता है, तो उसमें अच्छा मरीज का फायदा हो जाता है। हम हर किस्म के स्कैंस करते हैं, मतलब गायनी के सारे स्कैंस किए जाते हैं, ऑब्स्टेट्रिक प्रेगनेंसी में सारे स्कैंस किए जाते हैं, एब्डोमेन के स्कैंस किए जाते हैं, हमारे पास जॉइंट्स के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, इसी तरह हमारे पास अल्ट्रासाउंड में बाज़ दफ़ा नीडल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज और प्रोसीजर्स हैं वो किए जाते हैं। कोई लिवर में कोई मैस होता है उसका हमने सैंपल लेना हो तो बजाय इसके कि वो ब्लाइंड कोई प्रोसीजर करें, हम अल्ट्रासाउंड में देख के अल्ट्रासाउंड में उस नीडल को सही जगह पर पहुँचा के सैंपल लेके और लैब में हम सबमिट करें, सबमिट करवा देते हैं। ये प्रोसीजर्स भी हम करते हैं, ये भी कर रहे हैं। इसी तरह कोई फ्लूइड वगैरह अंदर बॉडी में से कहीं से कोई एस्पिरेट करना हो तो वो भी हम अल्ट्रासाउंड की मदद से उसको लोकलाइज करते हैं और ये बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। बिल्कुल एक छोटी सी नीडल जिस तरह इंजेक्शन की होती है वो जाती है उस जगह पे, अल्ट्रासाउंड में हम उसे देख रहे होते हैं, सही जगह पे एडवांस करके सही जगह नीडल पार्क करके और सैंपल ले लिया जाता है, जिससे मतलब ना ये भी एक मतलब बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं होता और आराम से जो है सैंपल लिया जाता है। हमें कोई मतलब देखें कि ना पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा एक इंजेक्शन लगता है स्किन पे जिससे वो नीडल जो हमने अंदर इंट्रोड्यूस करनी है वो नंब हो जाती है वो जगह और हम आराम से उसको प्रोसीड वो कर सकते हैं, उसका सैंपल ले सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो इकोकार्डियोग्राफी वगैरह है, इकोकार्डियोग्राफी में भी इकोकार्डियोग्राफी में हम हर तरह की एडल्ट की जो हार्ट की इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासाउंड ही होता है हार्ट के अल्ट्रासाउंड को इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। ये आमतौर पर कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वही करते हैं, हमारे पास स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हार्ट की जितने भी डिजीजेस हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी अल्ट्रासाउंड में इवेल्युएशन की जाती है। ठीक है, और उसके साथ ही मतलब हमारे ये मुख्तलिफ सेंटर्स हैं वहाँ भी ये फैसिलिटी मौजूद है इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, और इसकी मशीनरी भी हमारे पास लेटेस्ट ही है। जी जी जी, हमारे पास ये जो खास तौर पर ना हेड ऑफिस में हमारे पास ना ऐसे मतलब मशीन है जो डेडिकेटेड है इकोकार्डियोग्राफी के, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट जो या आप कहें कि फर्स्ट चॉइस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट जो है ना वो मशीन है। ये हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए उस मशीन पे बड़े खुश होकर काम करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, और आम तौर पे लैब्स में ये होता है कि जो मशीन अल्ट्रासाउंड के लिए इस्तेमाल हो रही है वही इकोकार्डियो, तो इसके फीचर्स ऐसे हैं कि जो स्पेशली मतलब ना इकोकार्डियोग्राफी के लिए ये मशीन डिजाइन की गई है और इसमें सॉफ्टवेयर ऐसा है, तो इस वजह से हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इस एडिशन से बड़े खुश हैं। बिल्कुल, और रेकमेंड भी करते हैं। रेकमेंड करते हैं। ठीक है, सो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इकोकार्डियोग्राफी मशीन भी मिलती है चुगताल आपके हेड ऑफिस पे, जहाँ पे आप बेहतर इमेजिंग के लिए आ सकते हैं और एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट होंगे जो आपके पूरे प्रोसीजर को सुपरवाइज भी करेंगे। सर उसके अलावा जो हमारे पास ETT अवेलेबल है और जो एक्सरे अवेलेबल है, पहले भी बताया आपको कि ETT एक वो टेस्ट है जो हार्ट की डिजीजेज जिसमें ब्लड वेसल्स की नैरोइंग वगैरह को देखते हैं, तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें मरीज को लगता है कि मरीज का या डॉक्टर का शक होता है कि भाई ऐसी आपको एंजाइना या वो इस तरह की नैरोइंग मौजूद तो नहीं है, तो इसलिए एक्सरसाइज कराते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट की डिमांड हार्ट वर्क ज़्यादा करता है, उसकी डिमांड बढ़ती है, तो ब्लड वेसल्स में अगर कहीं नैरोइंग होगी तो उस जगह ब्लड नहीं पहुँचा जाएगा और पेशेंट को साथ हम ECG में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं उसकी वजह से, तो ये भी अंडर कार्डियोलॉजिस्ट सुपरविजन ये टेस्ट होता है और इसकी भी सहूलत हमारे पास मौजूद है। और इसका प्रोसेस भी बता दें। हाँ, इसका प्रोसेस यही होता है कि आप लीड्स लगाई जाती हैं चेस्ट में ECG के लिए और पेशेंट को एक ट्रेडमिल टाइप मशीन होती है उस पर हम थोड़ा सा उसको रन करवाते हैं जिस हद तक वो कर सकते हैं, सही है। और जहाँ वो महसूस करते हैं कि भाई अब हमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो साथ साथ ECG में रिकॉर्डिंग आती रहती है, उसकी ECG रिकॉर्ड हो रही होती है कि ये इस स्टेज पे आके पेशेंट को हार्ट का या चेस्ट पेन शुरू हो गया या पेशेंट ने कोई कंप्लेंट की या ECG में कोई चेंजेस आई, तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो
हम इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज को पहले से डिटेक्ट कर सकता है. बिल्कुल ठीक है, सही है. सो ये भी मतलब रेडिएशंस भी वगैरह, बिल्कुल सो बहुत सेफ टेस्ट है और हेल्प कर देता है आपको डिटेक्ट करने में कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो. इसी तरह से एक्सरे जो हमारे पास मौजूद है उसका भी थोड़ा सा फीचर्स बता. एक्सरे हमारे पास जो है एक नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरे होते हैं. हमारे पास जो एक्सरे की सहूलत है ये डिजिटल एक्सरेज हैं जिसमें इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक्सरेज की निस्बत क्लियर आता है. इससे डायग्नोसिस में बहुत आसानी होती है, चीज़ें जो है साफ नज़र आ रही होती हैं. रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एक ख़राब एक्सरे को भी देख लेता है और उसमें से एबनॉर्मलिटी पिक कर लेता है, लेकिन जो दूसरे ट्रीटिंग फिजिशियंस होते हैं उन्हें बिल्कुल क्लियर इमेज चाहिए. तो इस लिहाज से हमें मतलब जो हमारे पास जो है ना यहाँ डिजिटल एक्सरेज इनकी सहूलत मौजूद है और हमारे पास डिटेक्टर्स हैं ऐसे जो हमने अभी रिसेंटली एड किए हैं दो उन जगहों पे. तो इसके साथ साथ ना मतलब अभी जो कोरोना वगैरह में एक्सरे यूज होता रहा, एक्सरे बहुत यूज हुआ है हमारे, मतलब काफी हमारे पास मोबाइल यूनिट्स और इस तरह से हमने बहुत ज्यादा इसमें एक्सरेज किए हैं. और कोरोना स्पेसिफिक डेडिकेटेड फैसिलिटीज हम लोगों जहाँ कोई बहुत सारी लैब्स या इस तरह से एक्सरे बंद हो गए थे. बिल्कुल तो हमारे यहाँ मतलब हम लोगों ने इसको बल्कि हमारे रेडियोग्राफर्स जो हैं खास तौर पे पूरे, हालांकि रिस्क भी होता है बहुत ज़्यादा. हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स स्क्रीनिंग के लिए भी आ रहे थे लेकिन कोरोना के पेशेंट्स भी आ रहे थे. लेकिन मतलब मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूँगा अपने रेडियोग्राफर्स की कि उनमें से किसी एक ने ये नहीं कहा कि मैंने एक्सरे नहीं करा. बिल्कुल बिल्कुल. सो एक्सरे हमारा कंटिन्यूअसली होता रहे और डेडिकेटेड फैसिलिटी पे होता रहे कोरोना पेशेंट्स के लिए. बिल्कुल ठीक है. सो सर आपसे ये पूछूंगी कि टाइमिंग्स हमारी रेडियोलॉजी फैसिलिटीज के क्या होते हैं. टाइमिंग्स हमारे जो हैं, अब हमने संडे को भी ना वैसे तो हम काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि हम मतलब थ्रू आउट मतलब डे और नाइट जो है 24/7 आवर करें, इस तरह से सर्विस करें. अभी फ़िलहाल हमारी जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन सुबह हम सीटी स्कैन जो हैं 9 बजे से एमआरआई शुरू करते हैं, ठीक है, और रात तकरीबन 11-12 बजे तक हम करते हैं. संडे को भी हम करते हैं, संडे भी अवेलेबल है ये हेड ऑफिस, ठीक है. अल्ट्रासाउंड्स भी हमारे सुबह 9 से रात 10-11 बजे तक होते हैं, ठीक है. स्पेशली संडे को भी, संडे को 9 से 11 नहीं है लेकिन संडे को भी 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अल्ट्रासाउंड होता है. इसी तरह हमको हमारी कोशिश है कि जो हॉलीडेज होती हैं गजेटेड हॉलीडेज में अवेलेबल तो हम इसको भी मतलब करते हैं अवेलेबल. हाँ, एक्सरेज हमारे रेडियोग्राफर्स हैं मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं ये थ्रू आउट, मतलब आपको ना सुबह से लेकर रात तक ये शिफ्ट्स होती हैं कि ये लोग एक्सरेज करते हैं. सो थ्रू आउट हो रहे होते हैं जब भी फैसिलिटी आपको चाहिए हो आप लोग जो है अवेलेबल है चुगताई लैब के हेड ऑफिस पे वहाँ से आके ले सकते हैं. सर एक और चीज़ मैं पूछूंगी कि हमारे मेडिकल सेंटर्स पे भी कुछ रेडियोलॉजी सर्विसेज अवेलेबल हैं तो वो बता दें कि लाहौर में स्पेसिफिकली कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं हमारे मेडिकल सेंटर्स पर. जी मेडिकल सेंटर्स में हमारी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत मौजूद है. सो आप जब भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करने चाहें तो आप एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जो है वहीं पर भी करवा सकते हैं और वहाँ पर भी सुपरवाइज हो रहा होता है विद रेडियोलॉजिस्ट. रेडियोलॉजिस्ट हमारे मौजूद होते हैं, ठीक है, और मतलब सुबह इस तरह से अक्सर सेंटर्स में हमारे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स होती हो रही होती हैं. सही. सो वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है. सर कमिंग टूवर्ड्स द एंड आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि लोगों को इंकरेज करने के लिए और बताने के लिए हमारी फैसिलिटी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों चुगताई लैब से आके रेडियोलॉजी सर्विसेज लें. जी इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं कि एक तो स्टाफ मतलब जो होता है कि कैसा स्टाफ है और करने वाले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेडियोलॉजी में एक तो हमारा टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टाफ होते हैं और एक इसकी जो इमेजेस को एक्वायर करते हैं और जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं. तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा टेक्नोलॉजी जो स्टाफ है टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हों. हम उनकी साथ साथ ट्रेनिंग भी करते हैं अपने तौर पर और ये हमारी यही कोशिश होती है कि हम इनको बहुत ही अच्छे ट्रेंड और एजुकेटेड और कल्चर्ड लोगों को मतलब ना इंडक्ट करते हैं और साथ साथ कभी भी मतलब बहुत ही जो लोग भी आते हैं हमेशा तारीफ करते हैं कि जी आपके स्टाफ बहुत अच्छा. बिल्कुल मैंने मतलब ये देखा है अक्सर लोग ना हमेशा कि भाई बड़ा ही कर्टियस स्टाफ है, इतना ख्याल हमारा, मुख्तलिफ जगहों का नाम लेके कहेंगे कि हमें इतना नहीं मिला, इतना नहीं मिले जितनी ये लोग आप लोगों का ख्याल करते हैं. इसलिए हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और हमारी कोशिश होती है कि हम जो एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट है ना उनको उनके साथ, तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम है,
बहुत ज़्यादा दोनों, मैं अपने स्टाफ की भी बड़ी तारीफ करता हूँ और हमारे रेडियोलॉजिस्ट, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई दोनों चीज़ें यही मशीन्स भी होती हैं और तीसरी चीज़ मशीन्स, बिल्कुल मशीन्स जो हैं हमारे पास इस तरह से एक पूरा ट्राइंगल बन जाता है कि मैन हैं और मैन बिहाइंड दी मशीन्स हैं और मशीन्स हैं, तो इसमें हमारी कोशिश है कि हम सबसे अच्छी क्वालिटी की बेस्ट क्वालिटी की दें। बिल्कुल, तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं हमारा काम, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, ठीक है, और डे बाय डे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसका तो यही मतलब है कि उन्हें क्वालिटी सर्विसेज मिल रही है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता चला जो ताला आपकी रेडियोलॉजी सर्विसेज के बारे में, मुझे उम्मीद है आप सबको भी पता लगा होगा, और अगर आपकी कोई भी और क्वेश्चंस है तो वो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। जो ताला में रेडियोलॉजी की कंप्लीट सर्विसेज अवेलेबल हैं, हेड ऑफिस में 7 जेल रोड पर, आप लोग जो हैं वो कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें बुक भी करवा सकते हैं, और कोई आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग चार्जेस या टाइमिंग तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 03111456789, वहाँ पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपनी कोई भी क्वेरीज जो हैं वो आंसर करवा सकते हैं। चुख्ताल आप पे रेडियोलॉजी सर्विसेज, जैसे हमने बताया ये सारी पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हैं, सो जब भी प्रिस्क्रिप्शन आपको हो प्रिस्क्राइब्ड हो तो ज़रूर आप आएँ और आके देखें कि हम लोगों की मशीनरी और जो भी सर्विसेज हैं वो आपको एक्यूरेट इमेजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और इंशाल्लाह हम लोग दोबारा भी आएंगे विद मोर सर्विसेज और आपके सर्विसेज भी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक भी, और आपको हेल्प आउट करेंगे कोई भी आपके क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड, हमें ज़रूर फीडबैक भी देते रहिएगा, और हम लोग और नेक्स्ट सेशन के साथ आएँगे डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स पर। सो थैंक यू सो मच।